हर डिसएडवांटेज में कुछ एडवांटेज होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर मलिक अमान। अच्छा जनाब, तो होता ऐसा है कि हम जब कभी भी किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए लेकर आती है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे मेटाफर्स हैं कि वो तितली के अंडे की मिसाल दी जाती है कि तितली के का जो अंडा होता है उसमें से जब तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तो बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो जितनी मेहनत करती है उतने अच्छे खूबसूरत उसके पर होते हैं। बहरहाल, तो मैं आपको कुछ मिसालें ऐसी देना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से भी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी से भी, कि जिसमें लोगों ने अपने डिसएडवांटेज को अपना एडवांटेज माना और फिर उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई। तो स्टार्ट करते हैं जनाब, जावेद चौधरी साहब जो कि एक मशहूर कॉलमिस्ट हैं, तो जावेद चौधरी साहब को 24 साल की उम्र में जो है वो डायबिटीज़ हो गई। अब ये गए हकीम सईद साहब के पास। अब जब ये हकीम सईद साहब के पास गए, जो हमदर्द फाउंडेशन के हमदर्द के फाउंडर थे, तो हकीम सईद साहब बड़े आदमी थे, उन्होंने इनसे छूटते ही कहा कि ये तुम्हारी जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है कि अगर तुम इससे दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें कोई और बीमारी होने नहीं देगी। फिर इन्हें टिप्स बता दी कि भाई ये ऐसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो इस लाइफस्टाइल की एहतियात तुम्हें और बीमारियों से बचा लेगी। तो अब एक 24 साल का नौजवान, जावेद चौधरी साहब की उस वक्त जो उम्र 24 साल थी, तो एक 24 साल का नौजवान जो इतनी परेशानी में जाए, क्योंकि उस वक्त डायबिटीज़ इतनी कॉमन थी भी नहीं लोगों में, तो वो एकदम से रीफ्रेमिंग कर दी और एकदम से उस डिसएडवांटेज को एक एडवांटेज शो कर दी। ऐसे एक दफ़ा हमारे एक ऑनलाइन कोर्स में एक खातून इनरोल हुई थी, तो उन्होंने फिर जब डिस्कशन हुआ उनसे, तो उन्होंने कोर्स करने के बाद कहा कि मेरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मेरे पास कोई परमानेंट प्लेस नहीं है और मैं फ़ीमेल्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स करवाना चाहती हूँ। तो फिर हमने उनसे कहा कि मैम, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट से शहर भर में अगर आप जो है ना वो एग्रीमेंट्स कर लें और आप वर्कशॉप्स उनकी प्लेसेस पे करवाएं और इंस्टीट्यूट आपके साथ मार्केटिंग करें, तो नंबर वन आप हर किस्म की फिक्स कॉस्ट से बच जाएंगी और जो भी होगा वो परसेंटेज उनकी वहाँ पे आपसे शेयरिंग होगी। तो अब ये क्या था, जो उनका बिगेस्ट डिसएडवांटेज था, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू बिगेस्ट एडवांटेज। तो ऐसा बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो डिसएडवांटेजेस नज़र आ रहे थे बज़ाहिर, उन्होंने उसको एडवांटेजेस में कन्वर्ट किया और उसको पॉजिटिवली सोचा और वो बहुत आगे चले गए। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज़रा गौर कीजिए कि कहीं वो परेशानी आपको आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं आई, ठीक है ना। और ये और उस परेशानी से लड़ना सीखें तो आप देखेंगे आप नेक्स्ट लेवल पर इंशाल्लाह ज़रूर पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे मज़ीद लेसन्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का भी हिस्सा बनिएगा। थैंक्स अलॉट। Oh,